सबटाइटल आते थे हिंदी में या उर्दू में या इंग्लिश में, हर आदमी पढ़ नहीं सकता था, इसलिए एक अनाउंसर रखा उन्होंने। तो वो हर सीन के बारे में कहता था कि अब ये शहजादा आ रहा है शहजादी को उठाने के लिए, खबरदार होशियार, देखिए अपनी जवां मर्दी बताएगा, बहादुरी बताए, पब्लिक को एक्साइट करता था और उसके साथ म्यूजिक भी बज रहा है। अरे चंद साधु बोले कि आपके वस्त्र आपके जेरत सब उतारो, बोलो साधु आए, बोलो जाओ यहाँ से जल्दी जाओ यहाँ से। अरे चंद्र अपनी मुंह पे मुस्कान लेके मुस्कुराते हुए जा रहे हैं, देखिए उनको कोई भी मतलब दुख नहीं हुआ। जब हम बम्बई आए तो वो जमाना हमने देखा, आउटडोर में जाने के लिए अगर गाना है तो म्यूजिशियन आउटडोर में भी जाते थे, कैमरे से अलग हटा के उनको बिठाया जाता था, किसी को झाड़ के ऊपर दरख्त के ऊपर बिठाया, वो क्लारिनेट लेके दरख्त पर बजा रहा है, कोई किसी पहाड़ी पर खड़ा होकर बजा रहा है, इस तरह से कि कैमरे में दिखाई ना दें। गाने वाला कभी कंप्लेन करे कि साहब हमको तबले का ताल नहीं मिल रहा है, अच्छा तो कोई छोटा दरख्त काट के तबले वाले के पीछे बांध दिया जाता था और उसको सामने बिठा दें कैमरे के, कि वो बजाता था तो लगे कि पेड़ हिल रहा है। तो गाना हमारी हिस्ट्री से चला आ रहा है, हर प्रांत में बच्चा पैदा हुआ तो गाना है, बच्चे का मुंडन है तो गाना है, जनेऊ है तो गाना है, बच्ची की शादी है तो गाना है, रुखसदी है तो गाना है, खेती की कटाई है तो गाना हो रहा है, यहाँ तक कोई मर गया तो उसको रुखसत करने के लिए भी म्यूज़िक से ही उसको रुखसत किया जाता है। तो गाना संगीत हमारे कदम कदम से हमारी तहजीब हमारे अदब में जुड़ा हुआ है।